बांदा ग्राम पंचायत छिलोले की स्थायी गौशाला में नहीं है किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं। खबर जनपद बांदा विकास खंड कमासिन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत छिलोले से है, जहां की स्थायी गौशाला में हमारी टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया। वही निरीक्षण के दौरान पाया गया, ना तो इस गौशाला में गौमाता के खाने पीने की कोई यथाउचित व्यवस्था है और ना ही कभी गौशाला की साफ सफाई का कार्य करवाया जाता है। यहां तक इस तरह की भयानक ठंड में गौ माता खुले में रहने को मजबूर है। आज तक ना तो वहां किसी प्रकार की कोई छाया की व्यवस्था की गई है और ना ही कोई टीन शेड लगाए गए, जिससे आए दिन गौ माता मृत्यु को प्राप्त हो रही है। वहीं पर कर्मचारियों से जानकारी करने पर पता चला कि गौ माता को सिर्फ प्या खाने के लिए डाला जाता है, बाकी किसी तरह की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। जबकि इस गौशाला में लगभग 200 जानवर बंद है। इतने जानवर बंद होने के बावजूद मात्र 2-3 ट्राली पैरा ही देखने को मिला। आए दिन गौशालाओं की खबरें चलाई जा रही है, परंतु उच्च अधिकारियों के द्वारा इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे सचिव और प्रधान बिना किसी भय के अपनी मनमानी कर रहे हैं। रिपोर्ट प्रभंजन कुमार गुप्ता, ब्लॉक संवाददाता कमासिन, एवीपी भारत न्यूज चैनल। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम श्रीपाल है। कौन सी ग्राम पंचायत है? यह छिलोले ग्राम पंचायत। आप इस समय कहाँ पे खड़े हुए हैं? गौशाला के पास। गौशाला में आप क्या काम करते हैं? यह चार और दस। अच्छा, ये बताए यहाँ कितने जानवर होंगे? मुझे पता नहीं है। अच्छा, जो यहाँ पर जानवरों के खाने वाने की क्या व्यवस्था है? पैरा पड़ा है जी। उतना पैरे में होगा वहाँ? अभी हम मंगाएंगे ना। कितना पैरा पड़ा हुआ है? एक टाली, दो टाली, तीन टाली? एक टाली, तीन टाली पड़ा। अच्छा, और इनके पानी वानी की क्या व्यवस्था है? पानी के बोर होते हैं। पानी के लिए बोर है। अच्छा, कितने कर्मचारी नियुक्त हो यहाँ पे? तीन नहीं, छह। क्या नाम है चाचा जी आपका? ज्वाला। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इस समय आप कहाँ पे खड़े हुए हैं? गौशाला में। गौशाला में आप क्या काम करते हैं? यहाँ चारा पूरा कहानी को गोबर वापर मिलाओ, वो दुनियादारी कराओ, छानी बनवाना, यही काम है। अच्छा, ये बताएं ये जानवर गौशाला आपका कब से संचालित है, आप ये बताएं? ये यहाँ एक महीना हो गया गौशाला संचालित नहीं। बस एक महीना पहले जानवर सब आ रहे थे? ये सब आ रहे थे। अच्छा, तो अब आप लोगों ने क्या व्यवस्थाएं की है इनके खाने पीने की? अब इनके खाने पीने के लिए पैरा की व्यवस्था हो गई, दूसरा की व्यवस्था। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि पैरा यहाँ दो टाली से ज्यादा नहीं पड़ा हुआ है, दबा हुआ है। ठीक है, अच्छा चलिए, ठीक है, दबा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ जो गौशाला में साफ सफाई का कार्य आप लोगों के द्वारा सही तरीके से नहीं किया जा रहा है? अभी सही तरीके से सफाई करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ? 3 लोग हैं अभी बस। यहाँ पर 3 लोग कर्मचारी हैं? कर्मचारी 3 लोग हैं मौजूद। जिस तरीके आपके पानी की चरही बनी है, चरही बनी है, कभी सफाई कब करते हैं? टैंकर में पानी आता है तो टैंकर में आता है, लेकिन चरही कब सफाई होती है? ये 4-6 दिन में साफ होता है। अच्छा, जिस तरह काई भी उसके अंदर सब धुला वुला करके बुरुस वरुस लगा करके साफ कर दिया है। अभी वर्तमान में तो काई वहाँ पे जमा हुआ कचरा वो अभी तो है नहीं। तब ये होता कि पहले गवन के लिए छाया बन जाए, तब यही व्यवस्था की है। तो ये खड़ा पैरा आप क्यों डालते हैं? कतरवाते नहीं है क्या पैरा को? पैरा ना, अभी कतरा वतरा नहीं जाता है, अभी मशीन ही नहीं आता। साहब ये बताइए, 15 नवंबर एक मिनट, भूसा वगैरह नहीं गवों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? भूसा के लिए आज मंगवाया है, भूसा डलवाया है। कहाँ पड़ा है आपका स्टॉक भूसा वाला, थोड़ा हमें दिखाना कहाँ पड़ा है, दिखा सकते हैं? सर अभी स्टॉक नहीं लगा, 15 नवंबर से काम चालू हुआ है। अभी तक अभी मवेशियों का ना तो खाता खुला है, अभी तक ना मवेशियों का खाता खुला है, ना 1 रुपये पैसा मिला है। 15 नवंबर से चालू हुआ है काम गौशाला का, अटेंडेंट में काम चालू हुआ है। लेकिन सरकार तो ऑलरेडी रेगुलर पैसे भेज रही है। नहीं, तो अभी तक नहीं अभी तक खाता जब नहीं खुला तो सर पैसा कहाँ से आ जाए? किसका खाता नहीं खुला अभी? मवेशियों का खाता नहीं खुला, कोई 1 रुपये नहीं खाते में आया। अच्छा, क्या नाम है आपके प्रधान जी का? आपके मेरे प्रधान जी का संतोष कुमार नाम, संतोष कुमार यादव।